बड़ी मैं तू तमेरी जादू दी छड़ी मैं तू तमेरी जादू दी छड़ी मैं तू तमेरी जादू दी छड़ी वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको मैं दिख रही हूँ तैयार, तो हाँ जी आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कम रेडी की हुई हूँ वो बस ऐसे ही, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने कुछ इस तरीके का सूट मंगाया इस बार और सूट लिया है और ये है मेरा दुपट्टा लहंगे का। तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं पूजा कुछ इस तरीके से करती हूँ। और ये है मेरा मंदिर जो मैंने रेडी कर लिया है, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मैंने मंदिर कर लिया है तैयार, करवा माता की फ़ोटो इस तरीके से लगाई है और ये मैंने बाइना निकाल लिया है अपने से बड़ों को देने के लिए। ये जल है जो मैं अभी सूर्य भगवान को, सॉरी चंद्रमा भगवान जी को दूंगी, और ये वाला अर्घ जो है ये मैं दूंगी रात को सूर्य भगवान को। तो चलिए फिर, मैंने दीपक जला लिया और ये प्रसाद होता है ये भी रख लिया, चावल ले लिए मतलब अक्ष, और तिलक विलक मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर हम कथा करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेरी जो करवा चौथ माता की कथा की जो किताब है वो मैंने ले ली है। अब मैं इसमें से पढ़ के कथा करूँगी और हाथ में मैंने ले ली है अक्ष मतलब चावल। तो चलिए फिर कथा शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर करते हैं हम अपनी कथा शुरू। तो ना ये इस तरीके से कुछ बुक आती है तो इससे ना ईजी रहता है मतलब स्टोरीज कथा सुनने के लिए। इसमें और भी है, इसमें बाइना के बारे में भी है, करवा चौथ कहानी भी है। तो मैंने किताब पे भी तिलक और फूल कर लिए। अब हम यहाँ से करते हैं स्टोरी कथा शुरू। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग के स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली गई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर के कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से योग लोग में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको मार नहीं सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गई। अंत उसके पतिव्रता के साथ जाकर उसके मगर को यमलोक के पेट पटा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है, यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माता की। गणेश विघ्नहर्ता जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का
और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थे और वह अंधी बुढ़िया नियत प्रीत गणेश जी के पूजन कर किया करती थी। गणेश जी शख्स सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्यों मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अब बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू कहती कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसे बेटा बहू और सब मेरे सबको सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगे सो वो पाए। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ों की माया निरोगी काया अमर सुहाग दो, आँखों की प्रकाश दो, नाती पोते दो और समस्त परिवार को सुख दो, अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिले। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा बनाए रखना। जय गणेश भगवान की। तो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कथा गणेश भगवान की और करवा माता की। अब इससे आगे का पूजन है वो हम करते हैं। तो ये अक्ष जो मैंने लिए हैं ये आधे बांधूंगी मैं अपनी चुन्नी पे, मतलब पल्ले पर। और बाकी जो ये चावल और अक्ष हैं इनको डाल दिया मैंने कलश में, क्योंकि अभी मैं अर्घ दूंगी तो चंद्रमा भगवान को अर्घ खाली नहीं देते। ये शाम को जब मैं सूर्य भगवान को अर्घ दूंगी तब मैं ये चावल डालूंगी। तो मम्मी पापा अब क्या करने जा रहे हैं? पहले तो मेरा ये गिफ्ट है फ्लावर, कैसे लग रहा है बताना। और अब चांद निकल गया, चलो चलते हैं पूजा। सुपरमैन बनेगी। सानवी हमारे ग्राउंड में यहाँ दिखेगा चांद, चलो देखते हैं चांद। हमारे यहाँ पार्क में कुछ इस तरीके से सब आ गए क्योंकि हमारे घरों से चांद नहीं दिख रहा। ओ, दिख रहा है इधर पेड़ से। आ जाओ जला रही हूँ दिया, फिर कहेंगे हम पूजा, चांद को अर्घ देंगे। देखो मेरा दिया जलते हुए। पापा
चॉकलेट दिखा रहे हैं, चलो खिलाओ। पानी पी के मैंने, हाँ गलत हो गया, बट अपना फास्ट खोल लिया, मरीज जी ने हमारा फास्ट खुला लिया। अभी हमें गिफ्ट भी देंगे कुछ, हमारे गिफ्ट भी ला रखा। चलो पहले काटते हैं, पहले गिफ्ट ये रहा रोज। हाँ चलो काटते हैं पेस्टी, जो बिगर आई है हमारे पेस्टी। वाओ डिलीशियस है, मन करे ऐसे हाथ मत। तो अब हो रही है हमारी चपाड़ी पेस्टी। नहीं चलता, पेट में जाएगा पेट। आपने अपनी दादी जी हमारा बर्थ खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ है पेस्ट्री एंड लड्डू, रसमलाई और क्या था, रसगुल्ले, स्पंजी रसगुल्ले और अरेबियन चॉकलेट। वैसे मैं इतना सब खाने वाली नहीं हूँ, पर थोड़ा 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 मैं फास्ट खोलूंगी अपना। गाइस इनका थोड़ा हम खाएंगे, बुक कर गई। तो हम सूर्य भगवान, सॉरी चंद्रमा भगवान की पूजा करके आ गए हैं, और अब मैं खोलूंगी अपना फास्ट। पानी पी लिया, वैसे मैंने पानी पी के फास्ट खोल लिया है, पर अब मीठा खाएंगे, मीठा खा के खोलेंगे फास्ट। मनी जी यहाँ कर रहे हैं प्रिपरेशन, तैयारी मेरे लिए, मतलब टेबल लगा रहे हैं। अब मैं खाऊंगी, तो चलिए बस खाऊंगी, क्या मैं खाऊंगी। वैसे मैं मीठा खाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा खाना पड़ेगा आज, थोड़ा सा। वैसे कैसा लग रहा है? तो ये है मेरी इस कलर से रेड कलर की साड़ी, कैसी लग रही है जरूर बताना, अच्छी लग रही है। और ये हमारे मनी जी का कुर्ता पजामा, जो पहनते नहीं है पर अब पहनने लग गए हैं। पैंट पैंट ट्राउजर भैया, चल ये हमारे घर की पगली पगली। चलो अब खाते यार, भूख लग गई। तो चलिए फिर खाते हैं हम अपनी पेस्टी। चलो भाई खाते हैं फिर मीठा। हैप्पी करवा चौथ, मेरी पसंद की। मेरा नाम ले रहे, मेरा नाम ले रहे, तभी तो नाम भूले। पेस्टी बहुत अच्छी हो रही है, चॉकलेट वाली है, मेरी पसंद के, क्योंकि मुझे चॉकलेट वाली अच्छी लगती है। कोई नहीं वैसा हो जाता है, तो कैसी ये वाली है, पूजा अच्छी हो रही है, तो मैं अपने आप भी खा लेती हूँ। हमें भी खिला दो। कुछ ज्यादा ही मीठा नहीं खा रहे? इस पे पड़ोस पे क्या लिखा है, क्या है हैं? पढ़ो, पढ़ रही हूँ, दूर को जा। पहले इनका ही तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ये लिखा है तेरे जैसा याद कहा। फोटो खींच दे, हमारी पेस्ट्री मैंने खा ली है,
अब है गिफ्ट की तैयारी। अब मुझे जो गिफ्ट मिला है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे मनी जी लेने गए अंदर, जो मैंने पीछे पड़ के बनवाया अपने लिए गिफ्ट। और एक है ये वाली रिंग जो यहाँ पे आ रही होगी, ये मैंने पहली पहन ली थी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। कैसा लग रहा है डिज़ाइन आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, टेढ़ी होगी। अब मैं दिखाती हूँ अपना सेकेंड गिफ्ट। तो ये है मेरा गिफ्ट बोल दीजिए, जो मैंने बहुत पीछे पड़ के बनवाया है क्योंकि इसी में रहूँ। ये है हाथ का ब्रेसलेट, क्योंकि मुझे शौक चढ़ा है ट्राउज़र पहनने का, तो मैं ट्राउज़र के साथ इसे कैरी पहनूंगी हाथ में। इस बार ज्यादा थक दिया पर अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे मंगलसूत्र है ना, मंगलसूत्र दिखाया नहीं। थैंक यू हमारे मनी जी जो आपने हमको गिफ्ट दिया। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छे लगे तो कीजिए शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। पास में है बेल बटन, उसे प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।